हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे ताजी नारियल का बहुत ही क्रीमी और टेस्टी आइसक्रीम जो कि बिना गैस जलाए बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप में बनने वाली है। और आइसक्रीम बहुत ही अच्छी बनती है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनती है, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो फिर चलिए आज की इस आइसक्रीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ताज़ा नारियल लिया है और जो नारियल का जो यहाँ पे ब्राउन वाला पार्ट होता है उसे हमें इस तरह से छील के निकाल लेना है, पील कर लेना है इसे। और यहाँ पे मैंने दो नारियल लिया है फ्रेंड्स, दो ताज़े नारियल लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी के ब्राउन वाला पार्ट को मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद हमें लेना है जार, और जार में इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के डाल देना है, इसे हमें मिक्सर में पीस लेना है। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे पीसेस में इसे तोड़ लेती हूँ ताकि मिक्सर का भी काम थोड़ा आसान हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सभी नारियल को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ के मिक्सर में डाल दिया। उसके बाद चलिए अब हम इसे मिक्सर में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में पीस के एकदम बारीक सा पाउडर बना लिया है फ्रेंड्स, इस तरह से एकदम बारीक सा पाउडर बना लेना है इसका। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप के बराबर फ्रेश क्रीम। आप यहाँ पे कोई भी फ्रेश क्रीम ले सकते हैं, अमूल का या फिर कोई भी दूसरा, या फिर आप घर का जो ताज़ा मलाई होता है उसे भी आप यहाँ पे थोड़ा सा दूध मिक्स करके और उसे अच्छे से मिक्स करके इसके अंदर 1 कप के बराबर डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप के बराबर चीनी और 1/2 कप के बराबर मिल्क पाउडर, 1/3 कप के बराबर या 1/2 कप के बराबर आप इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल दें। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट इसका इन्हेंस हो जाता है, तो आप मिल्क पाउडर ज़रूर डालें। उसके बाद सभी को मैंने मिक्सर में अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ही स्मूथ सा ये पेस्ट बन गया इस तरह से। उसके बाद चलिए अब हम इसे भर लेंगे आइसक्रीम मोल्ड में। आप यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स इलायची पाउडर या फिर वनीला एसेंस डाल सकते हैं, तो उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा आइसक्रीम में। तो यहाँ पर मैं इसे सिलिकॉन वाला मोल्ड में जमाने वाली हूँ आइसक्रीम को। आपके पास जो भी आइसक्रीम मोल्ड है उसमें आप बना लें, या फिर अगर आपके पास इस तरह का पेपर कप है तो आप पेपर कप में भी बना सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक इस तरह से डाल देती हूँ और इसके अंदर अब मैं आइसक्रीम के मिक्सचर को फिल कर दूंगी सभी में। उसके बाद इसे फॉइल पेपर से ऊपर से कवर कर लेना है। मेरा इतना मिक्सचर बच गया तो मैं उसे दूसरे मोल्ड में जमा लूंगी, पेपर कप में मैं उसे फिल कर लूंगी। उसके बाद इसे फॉइल पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है ताकि ऊपर से इसके अंदर आइस क्रिस्टल ना आए। अब हम चलिए इसे फ्रीजर में रख देंगे 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए, या फिर फ्रेंड्स आप उसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर बच गया है उसे मैं पेपर कप में फिल कर लेती हूँ, इसे पेपर कप में मैं आइसक्रीम को बना लूँगी। और ये पेपर कप वाला को भी मैं फ्रीजर में रख देती हूँ इसे जमने के लिए। और फ्रेंड्स देखिए 7 से 8 घंटे बाद मैंने इसे आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है और आइसक्रीम बहुत ही अच्छे से जम गया है। तो अब मैं इसे डिमोल्ड कर लेती हूँ। तो सिलिकॉन मोल्ड से डिमोल्ड करना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आसानी से डिमोल्ड हो जाता है और जो आइसक्रीम का जो ऊपर का फिनिश है वो बिल्कुल एकदम प्लेन आता है इस तरह से टेक्स्चर। तो मैंने यहाँ पे सभी को निकाल लिया है और मैं पेपर कप वाला को भी निकाल लेती हूँ इस तरह से कट करके, पेपर कप को कट करके निकाल लेंगे। और ये हमारी आइसक्रीम बनके रेडी है फ्रेंड्स, सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम बनी है, ताजे नारियल के बिना गैस जलाए बन जाती है फ्रेंड्स, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिए। और इसे मैंने यहाँ पे दूसरे मोल्ड में भी बना लिया था, तो आप इस तरह से अलग अलग मोल्ड में आइसक्रीम को अलग अलग शेप में बना सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।